नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र कुशवाहा और मेरे चैनल रविंद्र टेक एंड व्लॉग्स में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सभी अच्छे से ही होंगे। मैं कामना करता हूं कि भगवान आप सभी को अच्छी सेहत, सुख, शांति दे। तो दोस्तों आज हम एक स्पेशल वीडियो लेकर आए हैं 86 mm इन आउट वॉइस कॉइल का। इसका फुल डिटेल्स हम बताएँगे आपको। तो चलिए कॉइल बनाना शुरू करते हैं। तो 86 mm कॉइल जो हमारा जला हुआ है वो आप देख सकते हैं। चलिए हम इसको आपको वर्नियर से माप करके दिखाते हैं। ये देखिए 87 mm के आसपास ये कॉइल का इनर साइज़ है और हाइट इसका 50 mm है। तो इसको बनाने के लिए हम पहले से ही डाई तैयार करके रखे हैं। अगर डाई कैसे बनाया जाता है ये देखना हो तो आप हमारी पुरानी वीडियो देख सकते हैं। बहुत सारी वीडियो में हमने बताया है कि डाई कैसे बनाया जाता है। कॉइल हम एरालाइट से बनाते हैं। एरालाइट यहाँ पे स्टैंडर्ड ही आपको यूज़ करना है। एरालाइट स्टैंडर्ड दो पार्ट में आता है, दोनों को हम मिक्स कर ले रहे हैं। आपको इतना मिक्स करना है कि ये जो एरालाइट है वो मिल्की कलर में हो जाए और फिर उसके बाद एक जगह जमा कर लें। तो ये मिल्की कलर में हो गया है तो कॉइल बनाने के लिए ये परफेक्ट एरालाइट बन गया है। कभी भी ध्यान रखिए, एरालाइट मिक्स होने के बाद अगर मिल्की कलर का हो गया तो परफेक्ट हो जाता है। ये हमारा इनर चेपी है जिसके ऊपर हम मास्किंग टेप लगा दिए हैं और फिर मास्किंग टेप को, इनर चेपी को घुमा करके हम मास्किंग टेप के ऊपर चिपका देंगे तो हमारा इनर चेपी परफेक्ट चिपक जाएगा। ये देखिए इनर चेपी हमारा चिपक गया है। अब इसके ऊपर हम एरालाइट लगा देंगे। एक 7 नंबर की पीवीसी सीट से हम लगाएंगे तो जिससे इक्वल मात्रा में पूरा इनर चेपी के ऊपर एरालाइट फैल जाएगा और जो भी एरालाइट एक्स्ट्रा होगा उसको हम रिवर्स घुमा करके निकाल लेंगे। दोस्तों ये कॉइल बनाने के लिए हम 31 गेज DC वायर यूज़ कर रहे हैं। ये 500 वाट का कॉइल बनेगा। तो ये देखिए हम 31 गेज को लपेटना शुरू कर रहे हैं। ये लगभग 56 टर्न हम लपेटेंगे और इसका पुराना जो कॉइल था उसका भी गेज 31 गेज ही था। तो हम वर्नियर से फिर माप के देखेंगे दोनों का साइज़ कितना है। जितना पुराने कॉइल का साइज़ है उतना ही साइज़ हमें इस कॉइल को भी बनाना है। तो ये हमारा टर्न लगभग 56 कम्प्लीट हो गया है। तो अब हम इसको वर्नियर से माप लेते हैं। ये हमारा पुराना कॉइल है जो जला हुआ निकला है। ये 18.8 mm का कॉइल है, लगभग 19 mm का कॉइल है और ये जो हम बनाए हैं ये भी 18.9 mm का कॉइल है, लगभग 19 mm का ये भी कॉइल है। तो कॉइल का हमारा टर्न और हाइट एकदम परफेक्ट मैच किया है। तो अब हम इस लपेटे हुए वायर के ऊपर एरालाइट पूरा फैला दे रहे हैं। एरालाइट फैलाने के लिए हम 7 नंबर का ही वापस PVC का पट्टी यूज़ कर रहे हैं। कभी भी दोस्तों आप PVC का पट्टी ही यूज़ करें। ब्रश से अगर आप लगाएंगे तो यहाँ पे एरालाइट लगाने में काफ़ी टाइम भी लगेगा और कम ज़्यादा लगता है। ये कॉइल जो है हम कैप्टन पेपर में बना रहे हैं। 7 mm का पेपर है, 7 नंबर का पेपर है। इसमें हम पहले से एरालाइट लगा के रख लिए थे। तो ये देखिए हम कैप्टन पेपर लपेट दिए हैं। जो इसका इनर छेड़ा है वो जहाँ पर कैप्टन पेपर का ज्वाइंट है वहाँ से हम निकाल ले रहे हैं। ये हमारा इनर छेड़ा निकल गया है। अब इसके ऊपर हम PVC टेप लगा दे रहे हैं जिससे हमारा जो इनर चेपी है और अपना जो कैप्टन पेपर है आपस में अच्छी तरीके से चिपक जाए। क्योंकि ये टेप हम खींच के लगा रहे हैं तो ये पूरा प्रेशर दे करके दबा करके रखेगा। अब इस टेप के ऊपर हम मास्किंग टेप भी लगा दे रहे हैं क्योंकि जब हम इसको ब्लोअर से गर्म करते तो ये टेप पिघल करके फट जाता है और फिर वापस लूज हो जाता है। तो उसके लिए हम यहाँ मास्किंग टेप चिपका दे रहे हैं। मास्किंग टेप चिपकाने के बाद क्या होगा कि हम इसको गर्म भी करेंगे तो भी हमारा इनर चेपी से लूज नहीं होगा। अब हम जो इसका इसके ऊपर कैप्टन पेपर के ऊपर हम पूरा एरालाइट वापस लगा दे रहे हैं बाहर की तरफ से, जिसमें हम आउटर का जो है वो लेयर टर्न करेंगे। तो ये देखिए पूरा एक लेयर में हम एरालाइट लगा दिए और जो भी एक्स्ट्रा एरालाइट है उसको हम रिवर्स घुमा करके निकाल ले रहे हैं। अब ये हमारा जो इनर का वायर आया हुआ है जो हम मास्किंग टेप से चिपकाए थे निकाल देते हैं और जहाँ पे हमारा कैप्टन पेपर का ज्वाइंट है वहीं से हम वापस इनर वाला वायर आउटर में निकालेंगे और पहला लेयर जो है वो जस्ट नीचे वाले लेयर के ऊपर धीरे धीरे घुमा करके हम लगा देंगे। उसके बाद फिर हम वाइंडिंग करेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। कमेंट में आपको क्या पसंद आया वो ज़रूर बताइएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा। हम सप्ताह में 1 या 2 ट्यूटोरियल वीडियो लेकर आते हैं जिसमें हम फुल डिटेल्स बताते हैं। हम अपने लगभग 24-25 साल का जो अनुभव है पूरा आपके साथ शेयर करते हैं और उम्मीद करते हैं कि मेरी वीडियो देखने के बाद आपको कॉइल बनाने के लिए किसी और वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जस्ट मैं हैंडमेड कॉइल की बात कर रहा हूँ, मशीन वाली कॉइल की बात नहीं कर रहा हूँ। ये हमारा टर्न नीचे जितना था उसके ऊपर सेम लपटा गया है।
यहाँ आपको ध्यान रखना है कि नीचे जितना टर्न आप लपेटे हैं लगभग उतना ही टर्न आपको ऊपर लपेटना है ताकि कॉइल का जो इम्पीडेंस है वो सेम अप डाउन मिले उसको। अब हम जो इनर वायर से जो निकाले थे उसको हम आउटर वाले वायर के ऊपर एक सुई से चिपका देंगे और सेट कर देंगे। ये देखिए हमने यहाँ पे वायर को लॉक कर दिया और वायर को अब हम काट देंगे। और उसके बाद जो हमारा इनर का वायर निकला था वो इसी आउटर वाले कॉइल से हम पूरा चिपका देंगे। ये सबसे पहले हम नीचे का वायर जो है, अगर ऊपर नीचे कुछ हुआ है गैप तो वो हम सेट करेंगे। फिर दोस्तों आपको एक बार कैप्टन पेपर के नीचे भी सुई घुमा लेना है। और ये देखिए हमने इनर से जो वायर निकला था उसको हम आउटर वाले वायर से चिपका दिए हैं सटा करके, ताकि जब हम लीड वायर निकालेंगे तो एकदम परफेक्ट लीड वायर निकलेगा। अब हम वापस 7 नंबर की पीवीसी सीट से इस वायर के ऊपर पूरा एरालाइट लगा दे रहे हैं। एरालाइट यहाँ हमें घुमा घुमा करके लगाना है और पूरे मतलब कॉइल के ऊपर अच्छे से फैला देना है। फिर इसके बाद अब हम इसको हॉट गन से गर्म करेंगे। हॉट गन से गर्म करने से क्या होगा, तो जो हमने कैप्टन पेपर के नीचे एरालाइट लगाया है, वायर के ऊपर एरालाइट लगाया है, वो वापस कैप्टन पेपर के आउटर में लगाया है वो, और फिर वायर के ऊपर लगाया वो, सब पिघल करके आपस में चिपक जाएंगे पानी की तरह। और दोस्तों यहाँ पे एक चीज और आपको ध्यान रखना है कि जब एरालाइट आप गर्म करेंगे तो एकदम पानी के कलर का हो जाना चाहिए। हमने शुरू में बताया था कि जब आप एरालाइट बनाएंगे तो मिल्की कलर का होना चाहिए, वो एरालाइट परफेक्ट बनने के लिए था। और जब आपको इसको पकाना है तो वो मिल्की कलर से वापस पानी कलर में आना चाहिए। अगर पानी कलर में गर्म करने से एरालाइट हो गया मतलब आपका एरालाइट एकदम परफेक्ट पकेगा। तो एक बार गर्म करने के बाद फिर हम इसको पूरा चिकना कर दें और एक्स्ट्रा एरालाइट था वो निकाल दिए हैं और इसको वापस फिर गर्म कर दिए हैं। ये देख लीजिए एकदम परफेक्ट जो मिल्की कलर था वो पानी कलर में चेंज हो गया है, और जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है वो भट्टी में चेंज हो जाएगा। इसको हम भट्टी में रख दे रहे हैं। भट्टी में हमारा लगभग 200 वाट के 2 बल्ब हैं और इसको अब हम आपको आज हीट टेम्परेचर से बताएंगे। ये देखिए अभी बाहर का टेम्परेचर 31 डिग्री सेंटीग्रेड है, थोड़ी टाइम में ये भट्टी में 37 डिग्री हो गया। अब इसके बाद ये 49 डिग्री हो गया है, लगभग 5 मिनट हो गए हैं कॉइल को, लगभग 10 मिनट में ये 55 डिग्री हो गया है और इसके बाद ये 60 डिग्री हो गया है। तो अब हमारा लगभग 15 मिनट हो गया है, कॉइल पक गया है, तो हम कॉइल बाहर निकाल लिए हैं। इसके अंदर जो हम हल्का सा पतला पतला पीवीसी सीट लगाए थे उसको निकाल करके हम कॉइल का पूरा जो है सो पीवीसी कॉइल से गोल गोल घुमा करके हम निकाल दे रहे हैं। ये देखिए हमारा पीवीसी पूरा निकल गया। अब एक लेयर और पीवीसी का है उसको भी निकाल दिए, तो हमारा जो है ये कॉइल बन करके रेडी हो गया है। अब ये देखिए हमारा लास्ट पीवीसी निकल गया, ये कॉइल बन के रेडी हो गया है। तो अब जो हम इनर चेपी चिपकाए थे वो मास्किंग टेप हम निकाल देंगे। कॉइल काफ़ी खूबसूरत बना है, एकदम परफेक्ट बना है। दोस्तों अगर आप ध्यान से वीडियो देखेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी इतना ही खूबसूरत एकदम परफेक्ट कॉइल बना सकते हैं। हम लगभग कॉइल 20-22 सालों से बना रहे हैं, स्पीकर हम लगभग 25 साल से बना रहे हैं। तो चलिए अब हम इसके ऊपर आउटर का चेपी लगाते हैं। तो इसके लिए हम लगभग 3-3.5 मीटर एक पीवीसी 7 नंबर का रोल अलग से काट करके रखे हैं, जिसको हम इस कॉइल के अंदर डाल करके अंदर से लॉक कर देंगे। दोस्तों ये अंदर से लॉक करने के पीछे रीजन ये है कि जब हम इस पर चेपी लगा करके उसको प्रेस करेंगे तो कॉइल बैंड नहीं होना चाहिए, तो ये अंदर से टाइट कर देता है। ये देखिए हमारा इनर जो है पीवीसी से एकदम टाइट हो गया है। अब हम जो बाहर मास्किंग टेप लगाए थे उसको हम निकाल करके अंदर उसको लॉक कर दिए, अपना जो पीवीसी सीट था उसको, और फिर मास्किंग टेप हम कॉइल के ऊपर से निकाल दे रहे हैं। और फिर पीवीसी टेप को भी हम यहाँ से खींच करके निकाल देंगे, क्योंकि हमारा जो इनर मास्किंग चिपकाने के लिए लगाए थे उसका काम पूरा हो गया है। तो ये हमारा पीवीसी टेप और मास्किंग टेप दोनों निकल गया। अब हम इसमें से लीड वायर का छेड़ा निकालेंगे। तो दोस्तों जो अंदर से वायर निकलेगा, जो जॉइंट से बाहर निकला है इनर वायर, वो कभी भी प्लस वायर होता है, और ये जो बाहर का छेड़ा है ये माइनस वायर होता है। बट ये ब्रांडेड स्पीकर में आपको परफेक्ट मैच करेगा, असेंबल स्पीकर में आपका छेड़ा चेंज हो सकते हैं, क्योंकि ब्रांडेड का एक स्टैंडर्ड होता है, तो उसमें आपको कभी भी इनर वायर ही प्लस मिलेगा। और असेंबल में अगर हम मैग्नेट को उल्टा चार्ज कर देते हैं तो प्लस माइनस वापस उल्टा हो जाता है, तो इसके लिए असेंबल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। अब ये वायर को हम यहाँ पर फेविक्विक से चिपकाएंगे, क्योंकि हमारा जो कॉइल है वो एरालाइट से बना है, और ये जहाँ से कॉइल बाहर निकलेगा वायर, वहाँ से जो लीड वायर में ज्वाइंट होगा वहाँ भी एरालाइट से पैक होता है। और यहाँ अगर हम इस पेप 7 से इसको चिपका देंगे तो कॉइल का सबसे नाजुक सबसे कमज़ोर पॉइंट यही बच जाता है, जो कहीं पे भी एरालाइट या किसी भी चीज़ से पैक नहीं होता है, वो मतलब समझिए तो खुला तार होता है।
तो हम वहाँ पे फेविक्विक डाल दिए हैं, तो एकदम परफेक्ट जाम हो गया है और उसको एक लेयर भी मिल गया है। अब हम कॉइल पे चिपी लगाएंगे, तो उसके लिए हम जो है सो स्पेप 7 यूज़ कर रहे हैं। स्पेप 7 हम एक बॉटल में निकाल के रख लिए हैं, उसको हम कॉइल के ऊपर पूरा लगा करके स्पंज की पट्टी से पूरा हम फैला दे रहे हैं। स्पेप 7 लगाने के बाद जब ये थोड़ा सूख जाएगा तो इसका जो ऊपर से चेपी लगाएंगे उसके ऊपर भी हम स्पेप 7 पहले से लगा करके रखे हुए उसको हम यहाँ पे चिपका देंगे। तो चेपी आउटर चेपी चिपकाने का सबसे परफेक्ट तरीका ये है कि आपका जो कॉइल का तार है उसके जड़ से मैच करते हुए आउटर चेपी चिपकना चाहिए, इसमें गैप नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए हम जड़ से चिपका करके उसको नाखून उंगली मेन जो उंगली है उससे दबाते हुए उसको पेस्टिंग करते चले जा रहे हैं। ये जो इन आउटर चेपी है इसको हम पूरे कॉइल में ऐसे ही जो कॉइल का तार है उसे टच करते हुए ही हम चिपकाएंगे। और ये हमारा चेपी थोड़ा सा बड़ा है तो उसको हम कैंची से काट लेते हैं। एक्चुअल में ये हमारा 4 इंच वाइस कॉइल का चेपी कटा हुआ था जिसको हम यहाँ लगा रहे हैं। ये चूँकि 86 mm है वो 100 mm होता है, तो 16 mm के आसपास जो एक्स्ट्रा था वो हम कैंची से काट लिए हैं। और फिर हम आउटर चेपी को जो है वो एक स्क्रू ड्राइवर की सहायता से दबा दे रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि चेपी के ऊपर जो स्पेप 7 लगा है वो और जो अभी हमने कैप्टन पेपर के ऊपर स्पेप 7 लगाया था वो दोनों मिलकर के अच्छे से चिपक जाएंगे। ये हमारा माइनस और प्लस का छेड़ा निकल गया है, तो इसको हम थोड़ा सा खींच करके चेपी से बाहर निकाल ले रहे हैं। तो अब हम जो अंदर पेस्टिंग के लिए सीट डाले थे 7 नंबर का सीट, उसको गोल गोल घुमा करके हम निकाल दे रहे हैं। अब इसको चलिए दोस्तों अब हम इस पे जो है वो ये देखिए कितना बेहतरीन कितना खूबसूरत कॉइल दिख रहा है। इसमें जो एक्स्ट्रा वायर अपना जो है कॉइल का हाइट है जो एक्स्ट्रा चेपी का हाइट है उसको हम काट करके निकाल दे रहे हैं, एक शार्प कैंची से उसको काट दे रहे हैं। ये काट देने के बाद हमारा कॉइल एकदम परफेक्ट इनर चेपी और आउटर चेपी एकदम परफेक्ट मैच कर गया है, दोनों लेवल सेम हो गया है। तो इसको अब हम एक 7 नंबर की सीट अंदर डाल करके कॉइल अपना स्पीकर के पोल के ऊपर सेट कर देते हैं और 7 नंबर की छोटी छोटी टुकड़ियों से उसको हम लॉक कर देते हैं। तो ये देखिए हमारा लॉक हो गया है। अब एक 10 नंबर की सीट हम इसमें बाहर की तरफ से आउटर से घुमाएंगे कि हमारा कॉइल कहीं टच तो नहीं हो रहा है। तो फ्री गया है तो कॉइल एकदम परफेक्ट बनना है। कॉइल का सेटिंग आप देख लीजिए, इतना ही आपको रखना है, लगभग 10% कॉइल बाहर रहेगा, 5 से 7 टर्न। अब हम इसके ऊपर जो है स्पाइडर बिठा देते हैं और स्पाइडर बिठा करके हम माप दे देते हैं। अगर स्पाइडर बिठाने के बाद हमारा जमेगा तो उसमें हम VCC का होल करेंगे। VCC होल दोस्तों वो होता है वाइस कॉइल कूलिंग सिस्टम। तो उसमें क्या होता है कि जो हमारा इनर का जो कॉइल है वो और आउटर का जो कॉइल है वो उसको वेंटिलेशन अच्छे से मिल जाता है। तो ये देखिए अब हम इसको निकाल देते हैं। ये हमारा यहाँ से जो एक्स्ट्रा अभी भी कॉइल हमारा लंबा है उसको फिर वापस हम कैंची से काट दे रहे हैं। अगर ये नहीं काटेंगे दोस्तों तो हमारा VCC का होल नहीं होगा, क्योंकि हम VCC होल के लिए पेपर पंच का ये मशीन यूज़ करते हैं, इसमें ज़्यादा डीप नहीं होता है। तो ये देखिए हम VCC का होल कर दे रहे हैं। दोस्तों संभवतः अगर आपके स्पीकर रिपेयर करते टाइम अगर कॉइल स्पाइडर के नीचे VCC होल हो सकता है तो आप सभी स्पीकर में VCC होल करके ही बनाइए, इससे कॉइल का लाइफ बढ़ जाता है। कॉइल दोनों साइड से वेंटिलेशन होता है कॉइल को। तो ये देखिए हमारा कॉइल कंप्लीट हो गया है। इसका हाइट देखिए 55.9 mm है और हमारे पुराने कॉइल का हाइट जो है वो 50 mm है। ये लगभग आधा mm बड़ा बना है। ये 86 mm का है और ये भी लगभग 87.3 लगभग मैच करते हुए बना है। दोस्तों हैंडमेड कॉइल कभी भी थोड़ा सा आधा mm 1 mm अप डाउन ही बनता है। तो ये देखिए कॉइल रेडी हो गया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो से आप 86 mm का 500 वाट का कॉइल आसानी से बना सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम।